ये कहानी है तीन दोस्तों की जो चोरी छुपे रात के अंधेरे में एक बंगले में जाते हैं। वे खिड़की से झांकते हैं जहां उन्हें एक औरत सजते संवरते नजर आती है। तभी वो औरत उन लोगों को देख लेती है और वे लोग किसी चीज़ से डर कर वहां से भाग निकलते हैं और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कहानी में हम कुछ हफ्ते पीछे चलते हैं जहां तीनों लड़के अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये तीनों अपनी ज़िंदगी से काफ़ी नाखुश हैं और शॉर्टकट के ज़रिए पैसा कमाना चाहते हैं। इनमें से एक का नाम जय है जो कि एक लोन वसूली कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां वह अपने स्टाइल से कंपनी मालिक को इम्प्रेस कर लेता है और वह नौकरी पा जाता है। उसे अपना पहला टास्क मिलता है जिसके लिए वह एक शशि नाम की लड़की के घर वसूली करने जाता है, जहां उसे शशि को देखकर क्रश आ जाता है। जय लोन अमाउंट पे करने के लिए उससे कहता है। शशि उसे पूरा अमाउंट कल आकर ले जाना कहती है। वह अगले दिन शशि के घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि शशि एक पेइंग गेस्ट बनकर आई थी और कल ही उसने घर खाली किया है। जय गुस्से में अपने दोस्तों के पास जाता है जहां उसे शशि कहीं जाती हुई नज़र आती है। जय उसका पीछा करने लगता है जहां उसे पता चलता है कि शशि भी वसूली का काम करती है और कुछ लोगों से वसूली कर रही है। जय शशि के पास जाता है और उसे पैसे मांगने लगता है। शशि उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि वो बाकी पैसे जल्द ही लौटा देगी। वह जय को अपना मोबाइल नंबर और नया एड्रेस देती है ताकि जय को उस पर विश्वास हो जाए। जय अगले दिन उसके नए एड्रेस पर जाता है जहां वह अपने वकील के साथ मिलकर उसे फंसाने लगती है। जय गुस्से में वहां से अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। अगले दिन तीनों दोस्त मिलकर शशि का पीछा करते हैं, जहां शशि वसूली के लिए कुछ गुंडों के पास जाती है और वे लोग उससे ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी जय और उसके दोस्त वहां आकर गुंडों को मारकर भगा देते हैं। शशि उन्हें बताती है कि उसके पिता का उधार देने का बिजनेस है, उसमें वह वसूली का काम करती है ताकि वह अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सके। तभी जय और उसके दोस्त शशि को शॉर्टकट पैसे कमाने की स्कीम बताते हैं और शशि से कुछ पैसे लेकर उसे एक जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे शशि को काफ़ी फायदा होता है। वे लोग शॉर्टकट इन्वेस्ट करके काफी पैसा कमाने लगते हैं। तभी एक दिन वे अखबार में पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट कंपनी हैक हो गई है, जिसमें शशि अपने पूरे पैसे गंवा बैठती है। वे तीनों अपने दोस्त जॉन्टी से मिलते हैं, जहां वह उन्हें बताता है कि वह आईपीएल में सट्टा लगाकर पैसे बना रहा है। अगले दिन वे सभी आईपीएल में सट्टा लगाने लगते हैं और लाखों रुपए जीतने लगते हैं और वे उस पैसे से शशि के लिए एक नई कंपनी खोल देते हैं। अगले दिन वे तीनों आईपीएल में करोड़ों रुपए जीत जाते हैं। तभी एक आदमी उनके करोड़ों रुपए जीतने की बात अपने बॉस काली को बताता है। वे लोग उन्हें करोड़ों रुपए जीतने की खुशी में ड्रिंक पिला देते हैं और धोखे से उनसे ही करोड़ रुपए भरने के लिए कहते हैं। तभी एक दूसरा आदमी जिसने अपना पैसा गंवा दिया था सभी को वहाँ सट्टा न खेलने के लिए कहता है। तभी काली की एंट्री होती है और वह उसकी उंगलियां काट देता है। वे तीनों डर जाते हैं और जल्द ही पैसे लेकर आने की बात कहकर वहां से भाग जाते हैं। वे तीनों दोस्त एक होटल में जाते हैं जहां वे मैच हारने और करोड़ रुपए देने की बात पे बहस कर रहे होते हैं। तभी एक वेटर वहां आ जाता है जो उनसे कहता है कि आप लोग जिस टीम के हारने की बात कह रहे हैं वो टीम कल जीत चुकी है। तब उन्हें अपने ऊपर हुई ठगी का एहसास होता है और वे तीनों काली के घर अपने पैसे चोरी करने के लिए जाते हैं। वे पर्दा कूद कर घर के अंदर जाते हैं और खिड़की से देखते हैं कि घर के अंदर एक भूतनी श्रृंगार कर रही होती है। वे घबरा कर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी भूतनी उनकी गाड़ी पे कंट्रोल कर लेती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वे उस भूतनी से बचकर एक चर्च के अंदर जाते हैं। वे तीनों चर्च के पादरी को सारी बातें बताते हैं। थोड़ी देर बाद काली के गुंडे चर्च में आते हैं और वे तीनों वहां से बचकर भाग निकलते हैं। रास्ते में भागते हुए वे लोग शशि से मिलते हैं, जिसे वे उस भूतनी के बारे में बताते हैं, लेकिन शशि को उन पर विश्वास नहीं होता और वे लोग काली के आदमियों को देखकर वहां से भाग जाते हैं। फिर हम काली को देखते हैं। असल में वह भूतनी काली की प्रेमिका बेबी है, जो मर कर भी काली के साथ रहती है और उसकी रक्षा करती है।
वे तीनों काली के गुंडों से बचकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं, जहां वे उस भूतनी के बारे में उन्हें बताते हैं। तांत्रिक अपने मंत्र से उस भूतनी के बारे में पता करता है और उन तीनों को बताता है कि शुरुआत में काली एक छोटा मोटा सट्टेबाज था जो दूसरे गुंडे के एरिया में जाकर जुआ खिला रहा होता है। तभी उस एरिया के गुंडे उसे ऐसा करने से मना करते हैं, जिसके कारण काली गुस्से में उनमें से एक को मार डालता है और जुआ खिलाने लग जाता है। तभी बाकी गुंडे भी वहां आ जाते हैं और काली को मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं। तभी बेबी नाम की लड़की की नज़र काली पर पड़ती है और वह उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। बेबी नशीली दवाएँ बेचने का काम करती थी। काली के ठीक होने तक बेबी उसकी देखभाल करती है। बेबी का भाई उसे नशे की दवाइयां बिकवाता था, इसलिए काली उसे मारकर बेबी को अपने साथ रख लेता है और उनमें प्यार हो जाता है। एक शाम बेबी की नज़र एक महल जैसे बंगले पर पड़ती है। वे दोनों वहां चले जाते हैं और वहां के मालिक को मारकर उस घर में अपना कब्जा कर लेते हैं। उस रात अमावस की थी, तभी कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। बेबी उस हमले में मारी जाती है और काली पूरी तरह से घायल हो जाता है। वे लोग काली को मारने ही वाले होते हैं कि बेबी उस रात अमावस होने की वजह से प्रेतात्मा में बदल जाती है और एक एक करके सभी को मार डालती है और काली को बचा लेती है। बेबी के लिए काली ही सब कुछ था, यह बात तांत्रिक तीनों को बताता है। वह तांत्रिक उन तीनों के कहने पर उस महल में जाता है और अपने मंत्र से बेबी को अपने कब्जे में लेकर एक बोतल में बंद कर देता है। दूसरी ओर काली घर आकर बेबी को ढूंढने लगता है। वे तीनों बेबी को पकड़े जाने की बात काली को बताते हैं और काली बेबी के बदले 10 करोड़ रुपए उन्हें देने की बात कहने लगता। तभी एक मूवी डायरेक्टर की नज़र बोतल पर पड़ती है, जो अपने मशीन से यह जान लेता है कि उस बोतल में एक प्रेतात्मा है और वह उस प्रेतात्मा का उपयोग अपने मूवी में करना चाहता था। तभी काली वहां आ जाता है और एक कबाड़ी वाला उस बोतल को लेकर वहां से चला जाता है। वे तीनों कबाड़ी वाले का पीछा करते हैं और किसी तरह उनसे बोतल को छुड़ा लेते हैं। दूसरी ओर शशि जय से कॉल करके कहती है कि काली ने उसे पकड़ लिया है और बदले में उसे बेबी चाहिए। वे तीनों काली के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और काली को चकमा देकर शशि को बचा लेते हैं, लेकिन मूवी का डायरेक्टर मौका पाकर बोतल उनसे चुरा कर अपने पास रख लेता है। वे लोग उसके पास जाकर बोतल उससे छीन लेते हैं। वे चारों डायरेक्टर के पास बोतल छीन कर आ रहे होते हैं कि बेबी बोतल से आज़ाद होकर शशि के अंदर समा जाती है और उन तीनों पर हमला कर देती है। बेबी उन तीनों को उस महल के अंदर ला देती है, जहां काली उन तीनों को डराकर मारने की कोशिश करता है। तभी तांत्रिक वहां आ जाता है और बेबी पर अपने मंत्र से हमला कर देता है। तांत्रिक और बेबी की काफ़ी लड़ाई होती है। तभी बेबी आईने को तोड़कर तांत्रिक पर हमला कर देती है, लेकिन गलती से काली उस हमले में मारा जाता है और तांत्रिक बेबी को अपने जादू से नष्ट कर देता है। मूवी के अंत में चारों बचकर वहां से निकल जाते हैं और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।